हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी, फ्रेंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा एग्जाम के अंदर एक्सटर्नल से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और ये जो है आपका 4.75 मार्क के अंदर भी पूछा जा सकता है या फिर आपका 3 मार्क के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी बात आ गई कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है हमारा स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा है या फिर वीक मिनिमा है, वीक मैक्सिमा है या फिर वीक मैक्सिमा है, वीक मिनिमा है, और फिर स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा है या फिर स्ट्रॉन्ग मिनिमा है। तो इस टॉपिक से जो है हमारा क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है और थोड़ा सा पजलिंग है बट इजी है। ठीक है, अगर उसको हम ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। अब यहाँ पे बात ये आ गई कि जो है इस टाइप के प्रॉब्लम को मीन्स जब हमें एग्जाम के अंदर फाइंड आउट करना होगा स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा है, स्ट्रॉन्ग मिनिमा है, वीक मैक्सिमा है या फिर वीक मिनिमा है, इस टाइप में हम कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा लिजेंडर ने ये फार्मूला दिया, एक कंडीशन दी जिसके तहत हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा फंक्शनल है वो उसका जो सोल्यूशन होगा स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा होगा या फिर वीक मैक्सिमा होगा या फिर वो वीक मिनिमा होगा, वीक मैक्सिमा होगा, क्या कुछ होगा उसके बारे में हम जो है यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं? लीजेंडर कंडीशन की हेल्प से कर सकते हैं। लीजेंडर हेल्प हमारा ये कहता है कि फर्स्ट ये जो फार्मूला है इसके अंदर कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। खामियां इसकी ये है कि ये फार्मूला आपका एवरीवेयर एप्लीकेबल नहीं है, मीन्स जब आपका फंक्शनल फंक्शनल जो है कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, फंक्शनल का जब कंटिन्यूअस डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा तभी ये आप कर सकते हो, अदरवाइज इस लीजेंडर कंडीशन का यूज नहीं कर पाओगे आप। तो ये आपका लीजेंडर कंडीशन, यहाँ पे फंक्शनल आपको गिवन होगा इंटीग्रेशन ए टू बी आई वाई एक्स इज इक्वल्स टू दिस, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, ये आपका फंक्शनल है। ए टू बी ना करके एक्स वन टू एक्स टू कर दीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए वेरी फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू, यहाँ पे वाई एट पॉइंट एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई वन एंड वाई एट पॉइंट एक्स टू इज इक्वल्स टू वाई टू, ये आपका कंडीशन हो जाएगा, ये आपका फंक्शनल गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जो है इसका कंटिन्यूअस डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है तो वहां से आप एफ वाई डैश यहाँ पे ये चीज आप निकाल लीजिए, इसका मतलब जो है कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई डैश स्क्वायर या फिर वाई डैश कर दीजिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको ये चीज कैलकुलेट करने के बाद अगर ये चीज ग्रेटर आर इक्वल्स टू जीरो आती है, ये चीज क्या होती है, अगर आपकी ये चीज ग्रेटर आर इक्वल्स टू जीरो आती है इसका मतलब जो है फॉर आर्बिट्रेरी, इसका मतलब जो है इस जो भी मिलेगा इसकी वैल्यू आप हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेके आते हो, यहाँ पे अगर एफ वाई डैश इंटू वाई डैश की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर आर इक्वल्स टू जीरो होगी, यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करते हो तो उस केस में जो आपका सोल्यूशन होगा, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वाई डैश की, वाई डैश को आप कुछ भी पुटअप कीजिए, वाई डैश के कुछ भी पुटअप कर लें, आर्बिट्रेली मतलब आपकी मर्जी है, कहीं से भी कोई भी नंबर आप अगर पुट करते हो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। अगर ये जो है हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है उस केस में हमें क्या मिलने वाला है, वीक मैक्सिमा मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, वीक मैक्सिमा। सिमिलरली अगर आप सेकंड के अंदर देखिए, सेकंड रिजल्ट हमारा क्या है, एफ वाई डैश अगर आपका ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो आता है फॉर सम वाई डैश, फॉर यहाँ पे जो है फॉर आर्बिट्रेरी वाई डैश की किसी भी वैल्यू के लिए अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो आती है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे एफ वाई डैश अगर आपका हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो आता है, कब कुछ वैल्यू ऐसी हैं जिसके लिए आपका ग्रेटर देन जीरो आता है, या फिर आपका जो है इस कंडीशन को नहीं, मीन सब केस में आपकी इस कंडीशन को होल्ड नहीं करता, कुछ ही कंडीशन इसके पास होंगी वाई डैश की जिसके लिए इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो आती है, उस केस में जो होगा आपका क्या हो जाएगा, वीक मिनिमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीक मिनिमा हो जाएगा। थर्ड जो है हमारा, अगर हम एफ वाई डैश इंटू वाई डैश अगर लेस आर इक्वल टू जीरो लेके आते हैं फॉर आर्बिट्रेरी वाई डैश, किसके लिए, फॉर आर्बिट्रेरी वाई डैश, अगर हम आर्बिट्रेरी वाई डैश के लिए इसकी वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू जीरो लेके आ जाते हैं, उस केस में जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ जो पॉइंट है, एफ वाई डैश लेस आर इक्वल टू जीरो फॉर सम वाई डैश, तो यहाँ पे ये कौन सा चीज देगा, ये जो प्रॉपर्टी होगी वो स्ट्रांग मिनिमा की, वीक मिनिमा की, स्ट्रांग मैक्सिमा की, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, वीक मैक्सिमा, क्या हो जाएगा, वीक मैक्सिमा हो जाएगा। जब आपका जो चारों प्रॉपर्टी है, फर्स्ट आपकी ये कहती है कि अगर आपका एफ वाई डैश ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर आर्बिट्रेरी वाई डैश, देन नेचर ऑफ द एक्सटर्नल विल बी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एफ वाई डैश ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, कुछ ही पॉइंट वाई डैश की ऐसी हैं जिसके लिए आपका एफ वाई डैश ग्रेटर इक्वल टू जीरो आता है, उस केस में जो आपका एक्सटर्नल का नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, वीक मिनिमा का नेचर होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि अगर आपका एफ वाई डैश की वैल्यू लेस आर इक्वल टू जीरो आती है आर्बिट्रेरी वाई डैश के लिए, उस केस में जो आपका नेचर होगा वो स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा का होगा। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, अगर हमारा एफ वाई डैश लेस आर इक्वल टू जीरो होगा फॉर सम वाई डैश के कुछ ही वैल्यू के लिए, उस केस में जो हमारा एक्सटर्नल का नेचर होगा वो हमारा वीक मैक्सिमा कहा जाएगा। यहाँ पे जो है ये चार पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इन चार पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2016 मीन्स दिसंबर 2016 के अंदर पार्ट सी के अंदर पूछा गया था। ठीक है, पार्ट सी के अंदर पूछा गया था, मीन्स ये जो है हमारा मार्क का जो क्वेश्चन था कितने मार्क का था, 4.75 मार्क का। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और हाँ एक बात और ध्यान में रखनी होगी, जब कभी भी आपका कोई भी नेचर अगर वो स्ट्रॉन्ग मिनिमा को शो करता है तो उसके पास बी की मिनिमा भी है, बट अगर आपके पास बी की मिनिमा है एक्सटर्नल के पास, उसके पास स्ट्रॉन्ग मिनिमा हो ये कोई जरूरी नहीं है। सिमिलरली अगर आपके पास किसी भी एक्सटर्नल का नेचर जो है अगर स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा है, उस केस में जो है उसके पास वीक मैक्सिमा हमेशा होगा। मींस कहने का मतलब ये है, जो आपका स्ट्रॉन्ग मिनिमा होता है या फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा होता है, ये आपका क्या होता है, 12th पास आउट होता है, क्या होता है, 12th पास आउट, ये क्या है, 12th पास आउट है, और जो आपका वीक मिनिमा है ये आपका क्या है, 10th पास आउट है। ठीक है, ये सी क्लास को पास किया हुआ है, 10th पास, कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी स्टूडेंट 10th पास है तो उसका 12th पास होना कोई जरूरी नहीं है, बट कोई स्टूडेंट अगर आपका 12th पास आउट है उसका 10th पास आउट होना जरूरी है, मीन्स वो 10th पास आउट है, 12th पास आउट है वो 10th पास आउट है, बट 10th पास आउट है तो उसका 12th पास आउट होना कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिमिलर वे में यहाँ पे याद रखने के लिए इसको 12th पास आउट कर देंगे, इसको 10th पास आउट, मीन्स जो स्ट्रॉन्ग मिनिमा है वो वीक मिनिमा हमेशा होगा, बट जो वीक मिनिमा होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा ये कोई जरूरी नहीं है। बट
अब जो सेकंड रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट ये है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल का नेचर स्ट्रांग मैक्सिमा है तो उसके पास वीक मिनिमा आल्सो है, और अगर उसके पास वीक मैक्सिमा है तो उसके पास स्ट्रांग मैक्सिमा होना कोई जरूरी नहीं है। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि ये क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2016 के अंदर पूछा गया था, और ये 4.75 मार्क में पार्ट सी के अंदर पुटअप किया गया था क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट यही हमारे फोर कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। तो देखिए क्या है, द फंक्शनल आई वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर देखिए आपको फंक्शनल किस टाइप से गिवन है, 0 to 1 y डैश स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx, और आपको जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन आप देख लीजिए, कंडीशन आपकी गिवन है y एट पॉइंट 0 इज इक्वल टू -1, और फिर से कंडीशन गिवन है y एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, दो कंडीशन है, और भी कुछ दिया गिवन है, ऑन y इज इक्वल टू 2x माइनस, मीन्स y इज इक्वल टू y एट पॉइंट 0 इज इक्वल टू -1 एंड y एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू 1, ऑन y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। और यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है ऑप्शन भी हम लिख देते हैं, ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन आपका फर्स्ट कहता है कि जो है बी की मिनिमा है, फर्स्ट जो है कहता है बी की मिनिमा, सेकेंड आपका कहता है स्ट्रॉन्ग मिनिमा, और जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन के कहता है स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, और जो फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन, वो कहता है कि जो है वीक मैक्सिमा। ये जो है किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, केवल और केवल स्ट्रांग मैक्सिमा, स्ट्रांग मिनिमा, वीक मैक्सिमा, वीक मिनिमा, सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है। और जो हमने आपको रिजल्ट बताया है उसको आपको रिजल्ट को याद रख लेना है, ताकि अब जो नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो हमारे से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2016 के अंदर पार्ट सी में पूछा गया था, 4.75 मार्क के अंदर, ठीक है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट जो ऑप्शन है बी की मिनिमा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है स्ट्रॉन्ग मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा जो है ये आपका सी ऑप्शन है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा है, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा आपका फोर्थ ऑप्शन है, और ये आपका बी ऑप्शन है, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसको करते हैं, यहाँ पे क्या है फंक्शनल आपको क्या गिवन है, एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपको फंक्शनल गिवन है, फंक्शनल गिवन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एफ वाई डैश करोगे क्या मिलेगा, एफ वाई डैश एक बार करते हो तो 2y का डैश, फिर से अगेन करते हो एफ वाई डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई डैश के रिस्पेक्ट में फिर से किया आपने, क्या मिला आपको, 2 मिल गया। इसका मतलब जो है 2 तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं बल्कि वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब जो है जब आपका एफ वाई डैश ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता था, उस केस में जो है फॉर आर्बिट्रेरी वाई डैश, यहाँ पे कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है, इसका मतलब जो है आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे कहीं से भी, यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर जो आएगा हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर आर्बिट्रेरी वाई डैश, ये रिजल्ट हमने आपको बताया था,
जो कि पहला ही रिजल्ट है, पहला रिजल्ट है एफ वाई वाई डैश ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर आर्बिट्रेरी वाई डैश, आर्बिट्रेरी वाई डैश उस केस में जो नेचर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा। ठीक है, जब आपका जो है स्ट्रॉन्ग मिनिमा है, ठीक है, हमने आपको ये भी बताया था कि जब आपका जो है कोई भी एक्सटर्नल का नेचर अगर स्ट्रांग मिनिमा होगा तो उसके पास वीक मिनिमा भी होगा। ठीक है, कौन सा मिनिमा होगा, स्ट्रांग मिनिमा है तो उसके पास वीक मिनिमा भी होगा। यहां से क्या इंप्लाई करेगा, स्ट्रांग मिनिमा है तो वीक मिनिमा आल्सो, वीक मिनिमा आल्सो, इसका मतलब इसके पास जो नेचर है इसके एक्सटर्नल का बिना कुछ किए इसका ना तो यूज करना है ना तो इसका यूज करना है ना तो इसी का यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ इसकी बेसिस पे हमने ये पता लगाया कि जो हमारा एक्सटर्नल का नेचर है ये हमारा कौन से नेचर को शो करेगा, स्ट्रांग मिनिमा। अगर स्ट्रांग मिनिमा है और मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है उस केस में जो है हमें बी की मिनिमा अगर ऑप्शन के अंदर है उसको भी फिल करना होगा। ठीक है, तो जहाँ पे जो है स्ट्रांग मिनिमा, स्ट्रांग मिनिमा किस ऑप्शन के अंदर गिवन है, स्ट्रॉन्ग मिनिमा मीन्स इस ऑप्शन के अंदर, और वीक मिनिमा किसके अंदर गिवन है, वीक मिनिमा इसके अंदर गिवन है। इसका मतलब जो है आपका पहला ऑप्शन और जो आपका तीसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग मिनिमा ये रहा, वीक मिनिमा ये रहा। बहुत ध्यान से जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको क्या होगा, सब कुछ सॉल्व करोगे केवल और केवल ऑप्शन को फिल करते वक्त आप मिस्टेक कर जाओगे, इसलिए मिस्टेक आपको नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने जितना मेहनत से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप आंसर को अच्छे से फिल कीजिए। यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग मिनिमा है, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया सी, ये क्या है वीक मिनिमा है, हाँ यहाँ पे ए ऑप्शन के अंदर वीक मिनिमा है, ये तो आपका स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा लिखा हुआ है बट आपका जो आता है वो मिनिमा आता है, मीन्स ये और ये यहाँ से या तो पहला या तो तीसरा। फिर आ गया दोनों, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हमारा स्ट्रॉन्ग भी होगा और वीक भी होगा, इसका मतलब जो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी एंड बी आर द रॉन्ग ऑप्शन। बट ये आपका मल्टीपल चॉइस का है, अगर क्वेश्चन आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन के अंदर पुटअप किया जाता, मींस यही क्वेश्चन जो है अगर आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन के अंदर पुटअप किया जाता उस केस में जो है आपको कौन सा आंसर बेस्ट करना होता, मीन्स आपका जो है दोनों ऑप्शन तो ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका दोनों ठीक है, ठीक है, आपका सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है वो भी ठीक है, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है दो ऑप्शन ठीक है, फिर आपको ये माइंड से सोचना होगा कि आपको जो है बेस्ट आंसर का कलेक्शन करना है, बेस्ट आंसर आपका कौन सा होगा, मींस कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो है अगर दो ऑप्शन ठीक है उसके अंदर जो है आप ये सजेशन करोगे कौन सा आंसर हमारा बेस्ट है, जो बेस्ट आंसर होगा उन दोनों में से वही आप फिल करोगे। और यहाँ पे जो है जो वीक मिनिमा है वो तो स्ट्रांग मिनिमा हो नहीं सकता, इसका मतलब जो है सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है और एक ही ऑप्शन हमें फिल करना है तो हमें कौन सा वाला ऑप्शन फिल करना होगा, स्ट्रांग मिनिमा, स्ट्रांग मिनिमा होगा तो उसके पास जो है वीक मिनिमा आल्सो होगा। अगर हमने वीक मिनिमा वाला ऑप्शन फिल कर दिया तो उसके पास तो स्ट्रांग मिनिमा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, इसका मतलब जो हमने ऑप्शन फिल किया होगा अगर हम फिल कर देते हैं बी की मिनिमा तो उस केस में जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, मींस जो हमें मार्क मिलने वाला है जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो है 0.75 की नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। इसलिए जो है हमें ध्यान रखना है कि बेस्ट आंसर की कलेक्शन करना है और यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा सिंगल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो आपका स्ट्रॉन्ग मिनिमा है मीन्स आपका जो सी ऑप्शन होगा सिंगल चॉइस क्वेश्चन में, ये आपका जो सी है ये आपका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर ये क्वेश्चन सिंगल चॉइस के अंदर है तो तब तो आप जो है आपका सी ऑप्शन सही है, और यही क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर है तो आपका ए और सी ऑप्शन दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, और जो बी और डी होगा वो अगर मल्टीपल चॉइस में है तो रॉन्ग होगा, और अगर सिंगल चॉइस के अंदर है तो उस केस में आपका ए बी डी रॉन्ग होगा और सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।